गाइस वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि वी में हमारा 100 रुपीज़ का टॉक टाइम जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे हमारा जो 100 रुपीज़ का टॉक टाइम में वो चलेगा, आपका कॉल जाएगा और आएगा। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। तो दोस्तों हम अपना रिचार्ज करा लेते हैं 100 रुपये का, पर ये 100 रुपये में हमारे को वैलिडिटी नहीं मिलती है, इस वजह से हमारा ये रिचार्ज काम नहीं करता है, कॉल नहीं लगता है, ना कॉल आपका आएगा ना जाएगा, ना आपका SMS आता है ना आपका SMS जाता है, तो कोई भी आपकी वैलिडिटी काम नहीं करती है। तो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको कौन सा रिचार्ज करना है। अब 100 रुपीज़ का तो काम नहीं कर रहा, उससे काम करने के लिए आपको कौन सा रिचार्ज करना है जिससे आपका 100 रुपीज़ का रिचार्ज काम करने लग जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 100 रुपीज़ में हमारे को मिलता क्या है और उसे आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने टॉक टाइम में चले जाएंगे। तो आपको देखिए टॉक टाइम में जाना है, यहाँ 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया और आपको 5000 रुपये तक का टॉक टाइम का रिचार्ज देखने के लिए मिलता है। जो आपको 100 से ऊपर है उसके अंदर आपको टॉक टाइम देखने के लिए मिलेगा। देखिए 500 रुपये वाला है, इसके अंदर आपका जो रिचार्ज है ये काम तो करता है बिना कोई दूसरा रिचार्ज कराए, पर ये 100 रुपये का जो रिचार्ज है वो वैलिडिटी वाले के साथ ही चलता है। जो 500, 1000 और 5000 का जो रिचार्ज है बिना वैलिडिटी के वो चलता है, क्योंकि वैलिडिटी इसके साथ आपको मुफ्त में मिल जाती है, 1000, 500 और आपका जितने ही ऊपर है 5000 वाला उतना। देखिए पैक डिटेल दिखा रहा आपको 100 रुपये वाला में, इधर नो सर्विस वैलिडिटी लिखा है, मतलब इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई वैधता नहीं है। फ्रेंड्स ये आपका अनलिमिटेड तो मिलता है, आप कभी भी यूज़ करो, पर ये कोई दूसरे पैक के साथ ही काम करता है, वैलिडिटी वाले पैक के साथ काम कर रहा है। जिसकी वैलिडिटी होती है, जिसका आपका उसमें टॉक टाइम ख़त्म हो जाता है तब जाके आप ये रिचार्ज करते हो। अगर वो वैलिडिटी वाले पैक का टॉक टाइम नहीं ख़त्म होता है तो आप ये रिचार्ज नहीं करते हो। तो आप समझ गए फ्रेंड्स, उसका अगर हमारा 99 का रिचार्ज करते हैं तो हमको 99 रुपीज़ टॉक टाइम मिलता है। फिर उसके बाद आप चाहो तो एक महीने के अंदर जितना उसकी लिमिट बची है, कितना दिन बचा उतने दिन के लिए आपको ये मिलता है। 20 का रिचार्ज कर रहे हो तो 20 का आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ये टॉक टाइम ये 99 वाले के लिए है, जो 99 का वैलिडिटी वाला पैक होता है उसके लिए हमारा टॉक टाइम है। या हम कभी इंडिया से आउटगोइंग कॉल करते हैं उसके लिए हमारा टॉक टाइम है। डायरेक्ट आप ये रिचार्ज करोगे तो काम नहीं करेगा। देखिए ये पैक है 99 वाला, अब आपको 99 वाला ये पैक करना होगा तब जाके जो आपका 100 रुपये का रिचार्ज है वो काम करेगा। अगर आपने 99 रुपीज़ का रिचार्ज कर नहीं करोगे तो वो आपका नहीं कॉल जाएगा ना कुछ जाएगा। देखिए इसमें हमको वैलिडिटी और सर्विस वैलिडिटी भी मिल रही है, दोनों इसमें देखने के लिए मिल रहा है, पर 100 रुपये वाले रिचार्ज में वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो अब आपको ये रिचार्ज करना होगा। ये 28 दिन फ्रेंड चलता है, आप ये करते हो तो आपका 100 रुपये का जो टॉक टाइम है इसके अंदर जुड़ जाता है, और ये जो आपको इसमें 99 का करते हो तो 99 रुपीज़ टॉक टाइम मिलता है। सिर्फ आपका SMS इसमें नहीं जाएगा, SMS भेजना है तो आपको अनलिमिटेड पैक वाला रिचार्ज करना होगा, तब जाके आप SMS भेज सकते हो। तो आप समझ गए हमें कौन सा रिचार्ज करना है। तो मैं सिंपल से आपको बता दूँ, आपको कभी भी 99 रुपीज़ वाला रिचार्ज करना है, वैलिडिटी वाला पैक डिटेल दिखे, वैलिडिटी लिखा है तो ही आपका ये कॉल आता है और कॉल जाता है। अगर इसमें ये जो 99 रुपीज़ ख़त्म हो जाता तब जाके आप 100 रुपये का रिचार्ज करा सकते हो। जितने दिन की उसकी वैलिडिटी रहेगी ये तब तक आपका 100 रुपये का काम करेगा टॉक टाइम। जब वो भी ख़त्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स वो और आप 10 रुपये का रिचार्ज कर सकते हो 20 का। तो टॉक टाइम इसके लिए 99 के लिए आप पहले कर लोगे तो वो नहीं चलेगा, बाद में करना जब आपका 99 का ख़त्म हो जाता है। तो आपको कभी भी आप 99 का करोगे तो आपका रिचार्ज काम करने लग जाएगा। तो ये 99 रुपीज़ का रिचार्ज कर लीजिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।